Hello guys, today we are going to learn about the parts of a flower. Each flower normally has four floral whorls whose names are calyx, corolla, androecium and gynoecium. First one is calyx. It is the outermost whorl of the flower and the member are called sepals. Generally, sepals are green leaf-like structure which protect the flower in bud stage. Outermost whorl hota hai ye flower ka. इसके जो मेंबर्स हैं उनको सेपल बोलते हैं. जनरली ये ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं बर्ड स्टेज में. एंड द कैलेक्स मे बी ऑफ टू टाइप, गैमोसेपल्स एंड पॉलीसेपल्स. यू नो दैट द मेंबर ऑफ कैलेक्स इज नोन एज सेपल्स. सो गैमोसेपल्स मीन्स वेन सेपल्स आर यूनाइटेड, मतलब जब एक दूसरे से जुड़े हों. पॉलीसेपल्स मीन्स वेन सेपल्स आर फ्री. यू कैन सी दिस डायग्राम, ग्रीन कलर कैलेक्स. सेकेंड इज कोरोला. कोरोला इज कम्पोज ऑफ पेटल्स. Petals are generally brightly colored to attract the insect for pollination. Here also two types of corolla or two types of petal, gamopetalous or polypetalous. Gamopetalous if petals are united and polypetalous if petals are free. And shape and color of corolla vary greatly in plants. You can see this is the corolla which is brightly colored. Next comes the androecium. It is composed of stamens and each stamen, which represent the male reproductive organ, consists of a stalk or a filament and a anther. ठीक है, जो हमारा stamen होता है उसके part होते हैं stalk या filament और second part होता है उसका anther. और ये male reproductive organ होता है. Anther जो है bilobed होता है और हर loop के अंदर दो chamber होते हैं जिनको pollen sac बोलते हैं. Pollen grains जो हैं वो बनते हैं pollen sacs के अंदर. जो स्टीराइल स्टेमन होता है उसको बोलते हैं स्टेमिनोड. फ्लावर के जो स्टेमन है वो यूनाइट हो सकते हैं, मतलब जुड़े हो सकते हैं दूसरे मेंबर्स के साथ, जैसे कि पेटल्स के साथ या फिर खुद के साथ. तो दो कंडीशन जनरेट होती हैं, एपीपेटलस एंड एपीफाइलस. एपीपेटलस जब स्टेमन जो है पेटल्स के साथ अटैच हो, जैसा कि आप ब्रिंजल में देख सकते हैं. एंड एपीफाइलस जब स्टेमन जो है पेरियंथ के साथ अटैच हो, जैसा कि लिली फ्लावर में हम देख सकते हैं. और पेरियंथ क्या होती है, जब कैलेक्स एंड करोला किसी प्लांट के अंदर किसी फ्लावर के अंदर डिफ्रेंशिएटेड ना हो. नेक्स्ट कंडीशन आती है मोनो एडल्फस. अगर स्टेमन जो है जुड़ कर एक बंडल बनाए, एक बंच बनाए, उसको मोनो एडल्फस बोलते हैं. और ऐसा चाइना रोज में देख सकते हो आप. डाई एडल्फस जिसके अंदर दो बंडल्स बनते हैं स्टेमन्स के, पी प्लांट के अंदर. पोली एडल्फस जब दो से ज्यादा बंडल बने, और ऐसा होता है सिट्रस प्लांट के अंदर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम. ओके, नेक्स्ट कम्स द गाइनोशियम. इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल्स. तो हमारा एंड्रोशियम में होते हैं स्टेमन्स और गाइनोशियम में होता है कार्पल्स. कार्पल्स के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी जो है ये एनलार्ज्ड बेसल पार्ट होता है, मतलब बेस का जो पार्ट है. देन स्टाइल आती है, इलोंगेटेड ट्यूब होती है जो ओवरी को नेक्स्ट सिग्मा के साथ कनेक्ट करती है. देन आता है स्टिग्मा जो टिप पे प्रेजेंट होगी स्टाइल के, और ये रिसेप्टिव सरफेस होता है पोलन ग्रेन्स के लिए, मतलब जहां पे आके पोलन ग्रेन्स अटैच होते हैं वो पोर्शन है स्टिग्मा. जो ओवरी है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होता है जो प्लेसेंटा के साथ अटैच रहता है. प्लेसेंटा क्या होता है, फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है. देन दो स्टेजेस आती हैं इसके अंदर भी, एपोकार्पस और सिनकार्पस. एपोकार्पस जब कार्पल्स फ्री होते हैं, जैसा कि लोटस और रोज के अंदर हम देख सकते हैं. सिनकार्पस जब कार्पल फ्यूज होते हैं, मस्टर्ड और टोमेटो इसके एग्जांपल है. देन फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो ओव्यूल है उससे बनता है सीड, और जो ओवरी है उससे बनता है हमारा फ्रूट. दिस यू कैन सी दिस डायग्राम ऑफ अ टिपिकल फ्लावर. फर्स्टली ग्रीन जो है डैट इज पेडिसल, जिसको स्टॉक भी बोल सकते हैं. उसके बाद लीफ लाइक स्ट्रक्चर है कैलेक्स. देन ब्राइटली कलर्ड है कोरोला. देन गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम. दीज आर दी पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर. थैंक यू.